अगर आपके भी सिंगोनियम की इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर वो पुराना प्लांट हो गया है और उसे अगर आपने मॉस स्टिक पर लगाया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके बेहद काम आने वाला है। सिंगोनियम को जब हम इस तरीके से मॉस स्टिक पर लगाते हैं, तो उसकी पत्तियां इस तरीके से तीन तरफ से डिवाइड हो जाती हैं, जो देखने में लगता है कि तीन पत्तियां हैं, लेकिन रियल में वो एक ही पत्ती होती है। उसका साइज़ बड़ा होने के कारण वो इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन बात इसमें गड़बड़ तब शुरू हो जाती है जब ये प्लांट बहुत पुराना हो जाता है और रूट बाउंड हो जाता है, साथ ही साथ इसकी पत्तियां लटकने लग जाती हैं, जिससे ये बेहद ख़राब दिखाई देने लगता है। और उससे भी ख़राब तब हो जाता है जब इसके ऊपर ऊपर टिप पर इस तरीके से हरियाली बनी रहती है और बीच से ये बिल्कुल बेकार सा दिखने लगता है। तो उस हालात में आप इसे ऊपर ऊपर से इस तरीके से कट ना करें। ऐसा करने से सिर्फ ऊपर के ही लताएं डिवाइड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, और नीचे आपका इसी तरीके से खाली खाली ही बना रहेगा। अगर आपका प्लांट एक ही साल पुराना है, तो आप उसे इस तरीके से नीचे से कट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं। तो अगर इतना पुराना आपका प्लांट हो चुका है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि इसको इस तरीके से कट करके इसके अच्छे अच्छे जो कट हैं उसे हम हटा लेंगे, ताकि उसे फिर से हम लगा सकें, उसकी कटिंग को निकाल लेंगे इस तरीके से, ये अच्छे रूट वाले। और इसकी अच्छे से पहले इस मॉस स्टिक की साफ़ सफाई हम कर देंगे। जब इस मॉस स्टिक की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, देखिए इस तरीके से पूरा उसको क्लियर साफ़ सफाई कर देंगे, तो फिर बात आती है उसके रूट बाउंड को सुधारने की। देखिए, रूट बाउंड होने की वजह से ये गमला किस बुरी तरीके से फट चुका है। अब इसमें हम कितने भी खाद दें, कुछ भी करें, इसकी ग्रोथ में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, उसको जड़ों को फैलने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस गमले में इस प्लांट के रूट के लिए, उसके न्यू ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची हुई है। तो इसका एक ही समाधान है कि इसे इस तरीके से गुड़ाई करके उसके रूट की हम पहले सफाई कर दें। आप देख सकते हैं ये इसकी जड़ें कितनी बुरी तरीके से बाउंड हो चुकी है। तो उसे इस तरीके से पहले हम साफ सफाई कर लेंगे, और ताकि गमला थोड़ा ढीला हो जाए, इसके चारों तरफ की मिट्टी को हम इस तरीके से गुड़ाई कर लेंगे, ताकि उसकी मिट्टी लूज हो जाए, क्योंकि सिंगोनियम का रूट बाउंड बहुत ही बुरी तरीके से होता है। एकदम चारों तरफ से उसकी लताओं की भी जो जड़ें हैं वो भी नीचे ही आ जाती हैं। जो मॉस स्टिक पे जब हम इसे लगाते हैं, तो उसकी जड़ें भी इस तरीके से गमले में आकर के बाउंड हो जाती है। तो हम पहले उसे गमले से निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये गमला कितनी बुरी तरह से फट चुका है, और इसकी जड़ें आप देखिए कितनी खराब तरीके से, इसकी मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं, जड़ों का फैलाव इसका, इसमें आप खुद देखिए कि इसमें कहीं भी जगह ही नहीं है कि प्लांट ग्रोथ कर सके, इसकी जड़ें फैल सके। तो और मिट्टी भी बेहद हार्ड हो चुकी है। तो इसे सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करके इसकी सारी मिट्टी को हम ढीला करेंगे। और इसमें घबराने की बात नहीं कि इस तरीके से प्लांट मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा प्लांट, क्योंकि ये उडी प्लांट नहीं है, हरसिंगार या फिर और प्लांट्स के जैसा। ये लताओं से लगने वाला प्लांट है, जिसके हर एक गांठ पर ही एरियल रूट्स बहुत आसानी से आते हैं। तो ये आपका प्लांट फिर से नए सिरे से बहुत अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। उसके लिए आपको इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार करनी होगी। उसके लिए इसकी मिट्टी को हमें भुरभुरा बनाना होगा, और उसके लिए ही हमें इसकी अच्छे से गुड़ाई करके इसके सारे रूट बाउंड को खोलना होगा। तो इस तरीके से हम उसकी गुड़ाई करके उसके सारे सख्त मिट्टी को हम लूज करेंगे। अब हमने इसकी पूरी गुड़ाई कर ली है। इसके बाद इसमें जितने भी रूट्स हैं उसको हम सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं।
अगर आपका प्लांट भी बेहद पुराना हो चुका है तो उसकी केयर इसी तरीके से करनी होगी, क्योंकि सिंगोनियम की जड़ें बहुत मोटी मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिसे गमले में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है जब वो रूट बाउंड हो जाता है। तो इसकी जड़ें हमने इस तरीके से सेपरेट कर ली, और इसकी मिट्टी जैसे ही जड़ों से सेपरेट हुई, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और भुरभुरी हो चुकी है। अब इस मिट्टी में आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसके बाद हम दूसरा काम ये करेंगे कि इस मिट्टी को रिचार्ज कर लेंगे इसमें हल्दी पाउडर मिला के, और इसमें हल्दी को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पूरी मिट्टी में। और बरसात का सीजन है इसलिए इसमें मैं किसी भी तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर कोई और मौसम में आप, जैसे फरवरी के महीने में अगर आप इसको रिपोर्ट करें, तो इसमें आप 20% गोबर की खाद मिला सकते हैं या फिर बर्मी कंपोस्ट। इसे अब हम इस तरीके से ये कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे हम सबसे पहले, और जो कटिंग हमने ऊपर वाली निकाली थी ना, उन सबको इस तरीके से साफ कर लेंगे। एक नीचे के 1 इंच तक के पत्तियों को हम हटा देंगे, और आप देख सकते हैं इसके एरियल रूट्स ही कितने अच्छे आए हुए हैं, बिल्कुल न्यू न्यू फीडर रूट्स इसके। अब इसमें ये बहुत तेजी से आपका प्लांट ग्रोथ कर लेगा। देखिए इसके रूट्स कितने अच्छे आए हैं। इनके नीचे की पत्तियों को हम इस तरीके से एक एक करके साफ कर लेंगे। अब जो हमने इसकी मिट्टी की सफाई इस तरीके से कर ली, इसके रूट बाउंड को सुधार लिया, तो इसमें ये सिंगोनियम बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप इसे सेंटर में सिर्फ बूसी रूप से लगाना चाहते हैं कि घना घना दिखे सेंटर में, तो आप इसे गमले के बीच में लगाएं इस तरीके से घना करके, तो आपका सिंगोनियम बहुत खूबसूरत लुक देगा। लेकिन अगर आप दोबारा से इसे मॉस स्टिक पर ही लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गमले के किनारे किनारे अराउंड में इस तरीके से सिंगोनियम को लगाना होगा, जैसे मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपका सिंगोनियम पहले से बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और फ्रेश खूबसूरत दिखाई देने लगेगा, आप देख सकते हैं। और इसके बीच में, इसके बिल्कुल सेंटर में हम मॉस स्टिक को इस तरीके से लगा देंगे। और जो चारों साइड इसके पूरे गोलाई में जो हमने सिंगोनियम लगाया है ना, इसे किसी धागे की सहायता से इस तरीके से बांध देंगे, ताकि जैसे ही ये बड़ा होना शुरू हो तो इसकी मॉस स्टिक को के सहारे से पकड़कर बड़ा हो, और इसके पूरे गोलाई में जब सिंगोनियम भरा भरा सा दिखेगा मॉस स्टिक को पकड़कर खड़ा होते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरीके से आप सिंगोनियम को नया लुक दे सकते हैं, बिल्कुल पुराने सिंगोनियम की इस तरीके से सुधार आप कर सकते हैं। और 1 हफ्ते इसे बिल्कुल छाया में ही रखें, 1 हफ्ते में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और दूसरे हफ्ते से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आप भी इस बरसात सिंगोनियम की ऐसे रिपोर्टिंग जरूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप भी सिंगोनियम को इस तरीके से दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। और अगर आपका मॉस स्टिक पुराना हो चुका है, तो आप उसे नया चेंज कर लें। अब आप देख सकते हैं इसके चारों, मतलब पूरे अराउंड में सिंगोनियम लग चुका है। अब ये पूरे गोलाई में हरा भरा दिखाई देगा।